हम लोग अखिल भारतीय डबगर समाज की ओर से नगाड़ा, भव्य नगाड़ा लेकर गुजरात से यहाँ कार्शेकपुरम अयोध्या में आए हैं। कहाँ गुजरात से कब निकले थे मुख्यमंत्री, कितने हरी झंडी दिखाई थी? हरी झंडी हमारे सीएम साहब भूपेंद्र पटेल साहब ने दिखाई थी 5 तारीख को। 5 तारीख से हम लोग निकले हुए हैं, आज 10 तारीख हो गई। अभी सुबह हम लोग अभी कार्शेकपुरम में पहुँचे हैं। किसको समर्पित किया जाएगा, किस लिए नगाड़ा आया है? ये हमारा अखिल भारतीय डबगर समाज जो है, हमारा समाज बरसों से यानी सालों तक बाप दादा से ये वाजिंद्र बनाने का काम करते हैं हम लोग। तो कोई तबला बनाता है, कोई म्यूजियम का काम करता है, या नगाड़ा बनाता है, हर चीज़ की हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग और ये है। तो हमने लोगों ने सोचा था कि हम लोग भी श्री राम जन्मभूमि 500 साल के बाद बन रही है, तो हमने लोगों ने सोचा कि हम एक 4 द्वार में 4 नगाड़ा भेजे। तो हमें एक बड़ा विशाल नगाड़ा की हमें चंपत राय से बात हुई और उन्होंने हमको बोला कि एक ही अभी रखेंगे। तो हमारे समाज की ओर से अभी एक ही भव्य नगाड़ा अखिल भारतीय डबगर समाज की ओर से बना हुआ है। कितना बड़ा नगाड़ा है, कितना टाइम लगा, कैसे बना हुआ है, इस हाथ को बना क्या खासियत? इसके अंदर ये पित्तल की पूरी प्लेट है, लोखन के ऊपर पित्तल चढ़ाया गया है और ये 800 kg का पूरा बना हुआ है नगाड़ा और उसमें गिलेट करा हुआ है, सोने चांदी का गिलेट करके उसे CNC काम करा हुआ है पूरा। कैसी धुन रहेगी, बजने के बाद क्या है? बजने के बाद उसकी भव्य धुन रहेगी, जैसे कि आप बजाओगे तो बहुत जोर से आवाज़ उसकी आएगी, क्योंकि ये 56 इंच के सीने वाला बना हुआ है।